रादौर के जटलाना रोड पर पेड़ से ट्रक टकराया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्षतिग्रस्त ट्रक में कंडक्टर फंस गया था, जिसका रेस्क्यू किया गया। ट्रक में फंसे कंडक्टर को हाइड्रा की मदद से निकाला गया है। हादसे में बाल बाल बचा ट्रक चालक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घायल कंडक्टर को ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया है। ये बड़ा हादसा यहां पर, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है ये ट्रक। और इसमें एक ट्रक चालक तो बाल बाल बच गया, लेकिन जो कंडक्टर था वो भी बुरी तरह से घायल हुआ है, फंस गया था इसमें। हाइड्रा की मदद से उसको बाहर निकाला गया है। घायल कंडक्टर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक में फंसे कंडक्टर को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया उसको और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल कंडक्टर को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रादौर में यह हादसा हुआ है। रादौर के चटलाना रोड पर पेड़ से टकराया ट्रक। कुलदीप सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। कुलदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है इस हादसे के बारे में? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, आपको बता दूं कि ये जसराना रोड का मामला है। ये खनन जोन है, यहाँ से जो है बड़े ट्रक निकलते हैं। तो आज जैसे ये ट्रक जो है जसराना रोड की तरफ मुड़ता है, तो उसके बाद सामने से एक ट्रक आता है और उसके साथ ही एक बाइक आती है, जिससे ये ट्रक अनियंत्रित होने के बाद जो है एक सड़क किनारे खड़े सफेदे के पेड़ से जो है टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें चालक तो जैसे तैसे करके बाहर निकल जाता है सुरक्षित। लेकिन अगर परिचालक की बात करें, कंडक्टर की बात करें, तो वो ट्रक में फंस जाता है, जिसके बाद यहाँ से जो स्थानीय जो मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो किसे गुजरे थे, उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है इसकी सूचना डायल 12 पर दी। और जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जो हाइड्रा मशीन है उसकी मदद से जो है इस जो ट्रक में फंसे कंडक्टर को है बाहर निकाला गया। और घायल जो है इसको जो घुटनों के जो है इसमें काफी छोटे थे, जिसके बाद इसको प्राथमिक उपचार के बाद रादौर के सरकारी हॉस्पिटल से यमुनानगर ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कुलदीप।